हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी को होम मेकर ब्लॉगर में। और आज की वीडियो एक कुकिंग रेसिपी वीडियो है जिसमें हम बनाना सीखेंगे आलू की कचौड़ी, जिसके लिए हमें चाहिए मैदा या ऑल पर्पज फ्लोर 1 कप। मैंने यहाँ पे आटा यूज किया, आप चाहे तो आटे में भी अपनी कचौड़ियाँ बना सकते हैं। और इसे अच्छे से गूंथ लीजिए और 20 मिनट तक साइड रख लीजिए। फिर हमें चाहिए धनिया पत्ता 1 मुट्ठी भर, उसे अच्छे से चॉप कर लीजिए। उबले हुए आलू 4, उसे आप अच्छे से मैश कर लीजिए। फिर हम उसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच के आसपास नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, धनिया पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और आमचूर पाउडर वो भी 1/2 चम्मच। अगर आपको अदरक लहसुन पेस्ट खाना पसंद है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं 1/2 चम्मच, और ब्लैक पेपर पाउडर वो भी 1/2 छोटा चम्मच, ये ऑप्शनल है। इन सभी सामग्रियों को डाल के आप उसे अच्छे से मिला लीजिए। आप चाहें तो इसमें बारीक प्याज भी काट के डाल सकते हैं। इन सभी को अच्छे से मिला लीजिए। और रेडी है हमारे आलू का मिक्सचर। आप चाहे तो इसे तेल में जीरा डाल के फ्राई भी कर सकते हैं। फिर हम आटे की एक लोई तोड़ेंगे, उसे रोल आउट कर लेंगे पूरी जितने साइज का। फिर हम उसके अंदर 2 बड़े चम्मच आलू का स्टफिंग डालेंगे और सेंटर में डाल के उसे अच्छे से एजेस को लॉक कर देंगे और हल्के हाथों से उसे प्रेस करके फ्लैट करेंगे। अगर आपके हाथ में आटा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए। और देखिए, इस तरह से कॉर्नर्स में प्रेस करते करते हल्के हाथों से आपको आपकी लोई को पूरी जितने साइज तक बड़ा करना है। आप चाहें तो हल्के हाथों से उसे बेल भी सकते हैं। इसी तरह आप अपनी सारी कचौड़ियां रेडी कर लीजिए। फिर हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसके अंदर तेल डालेंगे। तेल हमें ज्यादा रखना है ताकि वो हम हमारी कचौड़ियों को डीप फ्राई कर सकें। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम उसके अंदर कचौड़ियां डाल देंगे। कचौड़ियों को पलट के दोनों साइड से अच्छे से पकाना है जब तक उसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका तेल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है तो आप अपना गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और कचौड़ी को अच्छी तरह से पलटते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम कचौड़ी को टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि उसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। इसी तरह हम बाकी के भी कचौड़ियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, मैंने मेरे सारे कचौड़ियां अच्छे से फ्राई कर लिए हैं दोनों साइड से। और रेडी है हमारी गरम गरम कचौड़ियां, जिसे आप हरी चटनी, दही या आलू टमाटर की सब्जी के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले ताकि आपको मेरे आगे के वीडियो के अपडेट्स या नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। आप आलू कचौड़ी जरूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।